In this module, we will discuss different collection methods. So, there are many methods by which we can collect animals. For example, black light trap, sweep net, suction device, DVAC method, pitfall method, aspirator method, beating sheet method, trolling method, deeper method, and hand. वो नाइट फ्लाइंग इंसेक्ट को कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इस मैथड के अंदर एक ब्लैक लाइट जो है उसको सस्पेंड किया जाता है इन फ्रंट ऑफ व्हाइट शीट और एक ये जो वाइट शीट है इसके करीब एक अल्ट्रा वायलट जो लाइट है उसको हैंग किया जाता है इंसेक्ट इस लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और बाद में जो रिसर्चर है वो आसानी से इंसेक्ट्स को कलेक्ट कर सकते हैं अगर हम इस स्लाइड के अंदर देखें तो इसमें जो पहली स्लाइड है पहली जो फोटो है इसके अंदर एक जो रस्सी है उसको दो ट्रीज के दरम्यान में बांधा गया है उसके बाद दूसरी जो तस्वीर है उसके अंदर एक वाइट शीट जो है उसको इस रस्सी के साथ लटकाया गया है और एक लाइट जो है उसको इसके करीब हैंग किया गया है जबकि जो तीसरी तस्वीर है इसके अंदर जब इंसेक्ट जो है इस वाइट शीट के साथ आके टकराते हैं क्योंकि लाइट की तर, तरफ ये अट्रैक्ट हो रहे होते हैं तो जो रिसर्चर है वो आसानी से इन इंसेक्ट्स को पकड़ लेता है इसी तरीके से जो दूसरा मेथड है स्वीप नेट। स्वीप नेट जो है ये जो वेजिटेशन है या लॉन्ग ग्रास है वहां से इंसेक्ट्स को कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ख़ास तौर तो पर जो डिस्पर्स इंसेक्ट्स होते हैं ये जो मेथड है इसके अंदर जो हम स्वीप नेट का इस्तेमाल करते हैं ये एक कैनवस बैग है जो कि राउंड इसका माउथ है और इसके साथ एक लॉन्ग रॉड होता है ये एक बहुत ही इफेक्टिव और आसान मेथड है इंसेक्ट की कलेक्शन के लिए एंटोमोलॉजी के अंदर इस किस्म के जो ट्रैप्स हैं उसका जो इस्तेमाल है बहुत ज़्यादा होता है और ये बहुत पॉपुलर मेथड है इंसेक्ट कलेक्शन का इसी तरीके से इस तस्वीर के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे एक सक्शन डिवाइस जो है दिखाया गया है जो कि डी वैक है अगर हमें जो कलेक्शन है वो ज़्यादा चाहिए बड़े लेवल के ऊपर हम काम करना चाहते हैं तो उसके लिए ये एक इंजन ऑपरेटेड डिवाइस होता है जिसको डी वैक कहते हैं इसकी मदद से हम आसानी से अगर थिक वेजिटेशन है लॉन्ग ग्रासेस हैं इवन जो ऑर्चर्ड्स हैं वहां से हम इंसेक्ट्स को कलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इस तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं कि ये इंजन ऑपरेटेड है जो कि गैजोलिन से ऑपरेट कर सकता है ये एक प्रेशर के साथ इंसेक्ट्स जो हैं उनको अपनी तरफ खींचता है बाद में इन इंसेक्ट्स को आसानी से हम सेपरेट कर सकते हैं और इसके अंदर जितने भी जो अनवांटेड इंसेक्ट्स हैं या जो एक्स्ट्रा मटेरियल है या जो डस्ट है, है उसको हम आसानी से इस कलेक्शन से सेपरेट कर सकते हैं